सत श्री अकाल जी, मैं आजाद सिंह, तुसी देख रहे हो रोज़ाना लोकनाथ टीवी। सिद्धू दे नाल जुड़ी हुई खबर, बड़ी खबर सामने आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू वालों सुनवाई ली, जो उन्हां दा मामला है, वह सुनवाई ली जस्टिस खान विलकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने उन्हां वालों मना कर दिता गया। तो उन्हां दी जो अर्जी है अगे चीफ जस्टिस नूं भेजी गई है, जिस दे उत्ते असी साडे सीनियर सहयोगी साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। असी उन्हां तों पूरी जानकारी लैंदे आ कि आखिर यह पूरा मामला है की है। जी सिद्धू साहब, की है पूरा मामला जी? देखो, मैं इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू के घर से मौजूद हाँ, तो उतों मैं थोड़े बीच भी अपडेट दस रहा। वैसे तो दस दी है कि जिहड़ा जिहड़ी क्यूरेटिव पटीशन पाई गई थी, वो जिहड़ी क्यूरेटिव पटीशन से जिहड़ी सुनवाई करनी होंदी है, वो उसे बेंच नहीं करनी होंदी है जिन्हें जिहड़ी सजा सुनाई है। तो सजा सुनाने जिहड़ी गल हैगी है, पटीशन उहदे कोले जदों गई बेंच दे कोले, तां उन्होंने सुनवाई करन तों इस लई मना कर दिता क्योंकि एक जज उही सीगा इस डबल बेंच दे विच जिहने सजा सुनाई सी, जिहड़ा जिन्हें नवजोत सिंह सिद्धू ने एक एक हजार रुपए का जुर्माना ला के छड़ दिता सीगा। तां हुण की है, हुण फिर दोबारा उसे जज ने डबल बेंच दे विच जाके सजा सुना दी, ते जे क्यूरिटी पटीशन ते भी उही जिहड़ी जज फैसला करदे तां फिर मैनूं लगदा कि कुते ना कुते कोई ना कोई गलबात हो सकदी सीगी। पर जिहड़ा उस जज ने उस क्यूरिटी पटीशन ते जिहड़ी है सुनवाई करन तों मना कर दिता, ते उह जिहड़ी क्यूरिटी पटीशन हुण चीफ जस्टिस दे कोल भेज दित्ती है, ते चीफ जस्टिस जिहड़े आ उह की फैसला करदे ने उह आने वाले कुछ ही समय के पता लग जूगा। फिलहाल जी है वो यही जानकारी है कि जी क्यूरेटिव पटीशन है वो जी पहुंच चुकी है चीफ जस्टिस के कोल, तां क्योंकि उस बाद छुट्टियां चल जानियां ने, गर्मी बहुत है, आप देखते हैं कि इन्हां दिनां दे छुट्टियां होंदियां ने, तां सुप्रीम कोर्ट दे विच मेरे ख्याल च महीने डेढ़ महीने दी छुट्टियां होने वाली ने, जिहदे करके जिहड़ी इस मामले दे उपर सुनवाई जिहड़ी उह अज ही होएगी। बिल्कुल, सो धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद तुसीं अपडेट दे दी। सो वड्डी अपडेट असीं तुहानूं दे रहे हैं, जस्टिस खान विलकर वालों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना नूं यह अर्जी भेजी गई है, उन्हां वालों इस दे उत्ते कार्रवाई करन तों मना कर दिता, सुनवाई करन तों मना कर दिता है। सो हुण उन्हां दी जो नवजोत सिद्धू की अर्जी है, खराब सेहत का हवाला उन्हां वालों दिता गया है, तो एक हफ्ते का समा मंगया गया है, अपनी जो सेहत नूं लैके एक हफ्ते का समा मंगया गया है, एक साल की सज़ा जो सुप्रीम कोर्ट वालों कल उन्हां नूं सुनाई गई है। 1988 का रोड रेज मामला है, शेरांवाला गेट पटियाला दे विच यह मामला घटित होया, जिस तो बाद 34 साल बाद हेठली अदालत तो बाद फिर पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ते फिर हुण जो इहदे उत्ते सुप्रीम कोर्ट वालों नवजोत सिंह सिद्धू नूं सज़ा सुनाई गई है, एक साल की सज़ा सुनाई गई है, जिस ते बाद नवजोत सिंह सिद्धू वालों एक हफ्ते का समा मंगया गया, अपनी खराब सेहत का हवाला दिता गया उन्हां वालों, ते उन्हां वालों खराब सेहत का हवाला दिंदे हुए एक हफ्ते का समा मंगया गया, जिस दे उत्ते हुण उन्हां वालों अर्जी दित्ती गई सी, जिस नूं जो जस्टिस ने उन्हां वालों जस्टिस खान विलकर वालों उन्हां दी हुण इस अर्जी दे उत्ते सुनवाई करन तों मना कर दिता गया, ते उन्हां नूं इस अर्जी दे जो ये अर्जी है एक हफ्ते का समा मंगया गया, जिस दे विच उह अर्जी नूं हुण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना दी बेंच दे कोल भेज दिता गया। अज कोर्ट का लास्ट दिन है, अज तो बाद जो कोर्ट दे विच छुट्टियां होण जा रहियां, सो लास्ट जो कार्रवाई है वो जस्टिस ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हां वालों की जानी है, अज शाम तक का समा है। सो देखना होवेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सिद्धू वालों अर्जी पाई गई है, पटीशन पाई गई है, वो उत्ते की कुछ अपना फैसला सुनाते हैं। तुसी बने रहो साढ़े नाल, देखते रहो रोज़ाना लोकनाथ टीवी, फिर होवांगे हाज़र।